नापतोल की शुरुआत की जानी थी। दरअसल लक्सर तहसील क्षेत्र स्थित मोहना वाला नामक गांव निवासी एक विकेंद कुमार नामक शिकायतकर्ता द्वारा हरिद्वार के जिलाधिकारी को पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थिति हिम्मतपुर बेला सहित मोहना वाला और बादशाहपुर नामक गांव में 1500 बीघा भूमि की पैमाइश कराने की मांग को लेकर शिकायत की गई थी। वे प्रशासन द्वारा संज्ञान के मुताबिक मामला दोनों राज्यों की सीमा से जुड़े जमीन विवाद के रूप में प्रतीत हो रहा था, जिसके बाद डीएम के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के डीएम को भी निरीक्षण कर पैमाइश के संबंधित आज वक्त यहां पर तय किया गया था। और मौके पर दोनों प्रशासनिक दलों के अधिकारियों द्वारा तहसीलदार के नेतृत्व में जमीनी पैमाइश की शुरुआत की जानी थी, मगर इस दौरान उत्तर प्रदेश का कोई भी सरकारी नुमाइंदा मौके पर पैमाइश कार्यवाही में नहीं पहुंचा। प्रधान जो शिकायतकर्ता भी हैं और हाईकोर्ट में एक पिटिशनर के तौर पर भी हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि जो बादशाहपुर गांव है उसकी जो यूपी से लगती हुई सीमा है उस पर विवाद है, यूपी और उत्तराखंड की सीमा पे। और साथ में उनका ये कहना था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा ग्राम समाज की भूमि पे कब्जा किया गया है, गन्ने की फसल बोई गई है तो उसको हटवाया जाए। उस जाँच हमने की है और माननीय हाईकोर्ट में जो उनकी रिट पिटिशन है उसके क्रम में भी हमने मौके की स्टडी की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमें देखिए, आप पैमाइश के दौरान पहुंचना था अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के भी, लेकिन कहा जाता है कि वहां पर वो पहुंचे ही नहीं, तो अब आगे कब इस पूरे मामले को देखा जाएगा? जी बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं पहले कि जब दोनों प्रशासन, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो अलग अलग राज्यों का एक गंभीर मसला है जमीनी विवाद को लेकर के, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से या जिला स्तर का कोई अधिकारी कर्मचारी या अन्य कोई सरकारी नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचता, ऐसा शायद दूसरी और तीसरी बार हो चुका है। मगर इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है निर्देश पत्र दिया गया था वहां के प्रशासन को, क्योंकि अलग सीमा का था तो जिलाधिकारी स्तर पर वहां अवगत कराया गया था प्रेषण के जरिए, उसके बावजूद भी उनके द्वारा कोई सरकारी जो है उनके तरफ से कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड की ओर से इसमें पहल की जा चुकी थी, जमीनी पैमाइश कर ली गई थी, और आपको बताएं कि इसमें पहले भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष यह मामला जा चुका है। तो तहसीलदार जिस तरह से बता रहे हैं लक्सर क्षेत्र के, तो इसमें अब इनके द्वारा पैमाइश की प्रक्रिया आगे भी रखी जाएगी और जो भी इसमें रिपोर्ट होगी उसे एकत्र करते हुए शासन को उसको प्रेषित किया जाएगा। अग्रिम निर्णय का जो है इसमें उनको प्रतीक्षा करनी होगी ताकि इसमें आगे क्या स्टेप उठाए जा सके। ठीक है, अब अगली सुनवाई की तारीख जो है वो तय होगी, अमित आपने बोला, क्योंकि इस बार दोनों ही प्रदेश के अधिकारी वहां पर हो ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है, तो ऐसे में क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इसको लेकर सूचना पहुंचाई जा चुकी है? जी बिल्कुल, इसमें अभी तक क्योंकि उच्च न्यायालय में मामला जा चुका था, उसको तकरीबन 6 माह से भी ज्यादा का समय बताया जा रहा है जब वहां याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसमें एक जो जिले के जिलाधिकारी हैं हरिद्वार के विनय शंकर पांडे, उनको निर्देशित किया गया था कि इसमें भूमि पैमाइश कर इसमें रिपोर्ट प्रेषित की जाए, जिसका एक सबमिशन हाईकोर्ट में भी किया जाए और वहां की खंडपीठ पे भी किया जाए और एक डीएम स्तर पर बना करके उसको जो है उत्तराखंड शासन को भी भेजा जाए और राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश से संपर्क करते हुए वहां के शासन के अधिकारियों को अवगत कराया जाए, ताकि दोनों के द्वारा जो है एक समन्वय स्थापित करते हुए